कोविड-19 का संदिग्ध या फिर रोगी वोटर कर सकता है पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग। इससे जुड़े संशोधन का गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हालांकि जो ऐसे मतदाता हैं उनके अनुरोध का सत्यापन संबंधित आरओ करेगा, जिसके बाद से पोस्टल बैलेट से मतदान की मंजूरी मिली। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में इसे लागू किया गया। देखिए गजट नोटिफिकेशन, कोविड-19 संदिग्ध या फिर जो रोगी है वो पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कर पाएगा, क्योंकि किसी भी तरह का इंफेक्शन स्प्रेड ना हो उसको लेकर के पहले संशोधन हुआ, लेकिन अब संशोधन का गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋतुराज, कोविड-19 का संदिग्ध या फिर रोगी पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कर सकता है, इसको लेकर असमंजस था, लेकिन संशोधन का गजट नोटिफिकेशन अब जारी हुआ है, क्या सारे पैरामीटर्स होंगे वोटिंग के? देखिए, दो खास नोटिफिकेशन आ चुके हैं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से, और इसमें पहले जो है कि जो संदिग्ध रोगी है अगर कोविड का, तो वह और या फिर पूर्णतः रोगी है, कोविड से रोग ग्रसित है, तो ऐसा व्यक्ति जो है पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकता है। उसके लिए उसको आवेदन करना पड़ेगा, जिसका सत्यापन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा, और फिर वो पात्र हो जाएगा पोस्टल बैलेट से डाक मतपत्र से मतदान करने के लिए। डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की जो श्रेणी है उसमें शामिल कर लिया जाए। एक दूसरा बहुत ही अहम नोटिफिकेशन है, जिसमें अत्यावश्यक सेवाओं को शामिल किया गया है कि ये अत्यावश्यक सेवा वाले जो व्यक्ति हैं, जो श्रेणी के लोग हैं, वो भी डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे। इसमें पथ परिवहन निगम, राजस्थान पथ परिवहन निगम के चालक, परिचालक, स्थानीय रूट बस सेवाओं वाले, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, और इन सारे जो श्रेणी है इनमें पहली बार यह एक प्रयोग हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो अधिकृत मीडिया कर्मी है, यानी जिनके पास बन गए हैं, जिनके पास बन जाते हैं कि वो अधिकृत रूप से चुनाव में कवरेज करेंगे विधानसभा चुनाव में, उनके द्वारा उनको भी इस कैटेगरी में शामिल किया गया है, वो भी पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, और इसकी रिकमेंडेशन निर्वाचन विभाग जयपुर की ओर से की गई थी, और इस वजह से इन्हें अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल किया गया। इस कैटेगरी में अग्निशमन सेवा वाले भी हैं, जयपुर मेट्रो वाले भी हैं, ऊर्जा विभाग और उसके अधीन निगम वाले भी हैं, पीएचईडी वाले हैं, दुग्ध संघ वाले हैं, दुग्ध सहकारी समिति वाले व्यक्ति इस कैटेगरी में शामिल है। लेकिन पहली बार जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मी भी इसमें शामिल है, तो ये दो बहुत बड़े चेंज हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा सुगम हो सकेगा और समावेशी मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें और बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।